बिहार में जो कानून व्यवस्था स्थापित है उससे आप कितनी संतुष्ट है, क्योंकि लगातार ये घटनाएं घटित हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल में हुई है, बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती है, छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। बात यह है कि यहाँ पे जागरूकता की कमी है, गरीबी है, ये सारी जो इश्यूज होती हैं ये सब बाहर आ नहीं पाती हैं, लोग डरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, कहते हैं अरे उसके साथ ऐसा हो गया, आप ये क्यों नहीं कहते कि उसने ऐसा किया। किसी के घर में अगर चोरी हो जाती है तो क्या आप उस जिसके घर में चोरी होती है आप उसको कहते हैं कि आपकी गलती थी आपके घर में चोरी हो गई? तो हम कब तक लड़कियों को ब्लेम करेंगे? आप कहते हैं कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे तो ऐसा हो गया, तो क्या भुड़के वाली लड़की के भुड़के वालों के साथ ऐसा नहीं होता है? क्या 90 साल की औरत के साथ ऐसा नहीं होता है? क्या 2 साल की और 3 साल की बच्चियों ने ऐसे कौन से भड़काऊ कपड़े पहने होते हैं? ये असल में क्या है ना कि आपकी जो सोच है वही गलत है। आप एक इंग्लिश में कहते हैं सिक मेंटालिटी, वो है आपके पास, आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच ही गलत है। और कानून व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं तो एक महिला के तौर पर मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। अगर अंधेरा हो जाता है उसके बाद मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ और आसपास में 3-4 लड़के बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो नॉर्मली हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसा घटित हो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है कि कहीं मेरे पे व्यंग तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ, ना बिहार में ना बिहार के बाहर कहीं भी। क्या लगता है किस तरह का सजा मिलना चाहिए जिससे सभी अपराधियों में खौफ पैदा हो? सबसे बड़ा सामाजिक बहिष्कार आप कर दीजिए, आप उस इंसान का जिस इंसान ने ऐसा किया है आप उस इंसान का बहिष्कार कर दीजिए, आप उसके परिवार का बहिष्कार कर दीजिए। आप कहीं भी तो समाज ही में रह रहे हैं ना, आपके घर में कहीं से सामान आता है, जो मोहल्ले के दुकानदार हैं उनको सामान देना बंद कर दिए। सबसे बड़ा डर पहले ज़माने में क्या होता था मैडम कि लोग सामाजिक बहिष्कार करते, कोई गलत करता था ना तो समाज उससे रिश्ता तोड़ देता था। आप समाज के बिना नहीं जी सकते, अगर ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा तो लोग ऐसा अपराध करने से डरेंगे, वही सबसे बड़ा इलाज है। पेरेंट्स अपने बेटियों को यह शिक्षा देते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, आपको नहीं लगता कि बेटों को भी अब यही? बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो अपने बेटों को बोलते हैं कि तुम अगर बाहर जा रहे हो तो हर लड़की को अपनी बहन की दृष्टि से देखना, हर लड़की को हर औरत को अपनी माँ की नज़र से देखना? अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आप लड़कियों को अपनी जागीर ना समझें, वो भी जैसे आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी भाभी है, वैसे ही हर लड़की किसी की माँ बहन और भाभी है। लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है हमारे समाज में। आज पश्चिम बंगाल में हुए घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार जो है वो न्याय के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार यह मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को सजा मिले, चाहे वो महिलाएं हो या फिर राजनेता हो, लगातार अब इसकी मांग की जा रही है कि न्याय होने चाहिए। इसको लेकर लगातार कैंडल मार्च किया जा रहा है, शांति प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितनी सजग होती है, महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करवाया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए आप जकास भारत। धन्यवाद।